दाई डोमेस्टिक सेविंग्स जो चौबीस प्रतिशत जी डी पी से बढ़कर छत्तीस प्रतिशत पर चला गया फ्रॉम ट्वेंटी फोर परसेंट ऑफ द जी डी पी विच वॉज आर डोमेस्टिक सेविंग वी वेंटअप टू थर्टी सिक्स परसेंट और आप उसको उसकी तुलना में जब देखेंगे कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट कितना हुआ कह पाएंगे इट वॉज अबाउट थर्टी एट परसेंट यू लुक एट द फिगर्स फाइंड एवरी ईयर ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक सेविंग्स एंड ग्रोस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हैज बीन अबाउट टू परसेंट ऑफ द जी डी पी एंड दैट टू परसेंट इज रिप्रजेंटेड बाई फॉरन सेविंग्स विच इज फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफ आई आई एन आर आई जितना पैसा बाहर से आता है हमारे देश में वह है दो प्रतिशत अगर हमारा छत्तीस प्रतिशत है लोगों के भारत के लोगों की बचत हर साल तो उसमें विदेशी पूंजी निवेश का जो प्रतिशत है वो है मात्र दो प्रतिशत और हम उस दो प्रतिशत को लेकर हायतोबा मचाए हुए कल अगर मनमोहन सिंह ने ये कहा होता कि हमारा डोमेस्टिक सेविंग्स सेविंग से रेट फ्रॉम अबव थर्टी सिक्स परसेंट हैज कम डाउन टू तो थर्टी थ्री परसेंट एंड आई एम वेरी वरीड आई लाइक टू टेक स्टेप्स टू एनकरेज पीपल ऑफ इंडिया टू सेव मोर आई वु से वेरी फाइन स्टेटमेंट बट इसके बारे में उनको कोई चिंता नहीं है छत्तीस प्रतिशत के बारे में उनको चिंता नहीं है उनको सिर्फ चिंता है दो प्रतिशत के बारे में और उस दो प्रतिशत से भारत देश का कल्याण नहीं होने वाला है बीजेपी फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का विरोध नहीं करती है हम कहते हैं आओ बहुत सारे क्षेत्रों में आओ लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज लाइक द आइसिंग ऑन द केक खूबसूरत बनाने के लिए कहीं कहीं किसी किसी खास सेक्टर में जहां हमको बहुत आवश्यकता है पूंजी की टेक्नोलॉजी की वहां पर आप ले लीजिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकिन देश का भविष्य फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पर निर्भर करता है यह हम स्वीकार करने को तैयार नहीं है ना आंकड़े इसका समर्थन करते हैं तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भी हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिटेल में ला रहे हैं और उससे बड़ा कल्याण हो जाएगा मिलियंस ऑफ जॉब्स हाई वैल्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड और हमारे ऊपर तोहमत लगाते हैं कि एक अखबार ने किसी जॉइंट सेक्रेटरी का नोट छाप दिया है आज कि यह नोट था कैबिनेट के लिए कैबिनेट कमेटी के लिए नोट बहुत बनते हैं सरकार में फैसला क्या हुआ फैसला नहीं ना किया एनडीए सरकार ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का आप मेरा 2001 का बजट उठा के देखिए बड़ी तारीफ हुई थी बड़ा रिफॉर्म ओरिएंटेड बजट है उसमें मैंने कई रिफॉर्म्स का जिक्र किया था जो हम नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए क्योंकि उसके लिए एनवायरनमेंट ठीक नहीं था उसका विरोध हो रहा था और अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ग्रेट डेमोक्रेट थे इसलिए उन्होंने कहा कि लोगों की भावनाओं को रौद कर कुचल कर हम आर्थिक सुधार नहीं करेंगे इसलिए छोड़ दीजिए इसको और छोड़ दिया हम लोगों ने और जितने भी हम लोगों ने रिफॉर्म किए और सचमुच के रिफॉर्म्स किए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एडमिनिस्ट्रेड प्राइस मैकेनिज्म ए को हम लोगों ने डिसमेंटल किया और फर्स्ट अप्रैल 2002 से वी डी रेगुलेटेड द प्राइसेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल और उसके बाद वो कंपनियां तय करती थी कि हर फोर्ट में कितना बढ़ेगा कितना घटेगा सरकार नहीं तय करती थी 2004 में ये आए सरकार में और इन्होंने उस कदम को वापस ले लिया फिर से सरकार का नियंत्रण हो गया और आज कह रहे हैं कि सत्रह रुपया प्रति लीटर सब्सिडी है ऑन डीजल किसने इसको सत्रह रुपए तक पहुंचाया हु इज रिस्पॉन्सिबल आई एम आस्किंग दिस गवर्नमेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल इफ टूडे द डीजल वन लीटर ऑफ डीजल इन्वॉल्व ए सब्सिडी ऑफ सेवनटीन रूपीज बिकॉज यू हैव पोलिटिस कंप्लीटली रेगुलेशन ऑफ प्राइसेज ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट अपने हाथ में लेकर और जब चुनाव होता है तो कीमतें नहीं बढ़ती हैं जब पार्लियामेंट का सेशन होता है तब कीमतें नहीं बढ़ती हैं पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ पांच रुपए बढ़ा दिया और आप समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि सत्तर रुपये है इट इज नॉट इवन ए रिफॉर्म अगर कोई भी इस देश में समझता है कि डीजल की और एलपीजी की कीमत बढ़ाना एक बड़ा भारी रिफॉर्म है तो मैं अदब के साथ कहना चाहूंगा कि दिस इज ए रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप इसको रिफॉर्म कैसे हम कह सकते हैं और उसके बाद एफडीआई इन रिटेल प्रियरंजन दास मुंशी कांग्रेस पार्टी के चीफ विप थे लोकसभा में जब हम लोगों की सरकार थी ऑन सिक्सटीन दिसंबर 2002, during the winter session, he got up in the zero hour, aur और उन्होंने एक raise kiya किया कि उन्होंने कहीं अखबार में पढ़ा है कि सरकार retail multi brand retail mein permit karne में rahi करने जा रही है और उन्होंने जोरदार भाषण दिया लोकसभा में और यहां तक कहा कि दिस विल बी एन एंटी नेशनल स्टेप एंटी नेशनल स्टेप to ब्रिंग FDI in retail इन और सरकार को आड़े हाथों लिया कैसा आप सोच भी कैसे रहे हैं। और हमारी तरफ हमारी तरफ से उस समय अरुण शौरी जी लोकसभा में प्रेजेंट थे उन्होंने उठकर कहा कि इस तरह की कोई बात सरकार के विचाराधीन नहीं है और एक एन के सिंह के नेतृत्व में प्लानिंग कमीशन की कमेटी बनी थी उसमें इसको खारिज किया गया था उस बात की उन्होंने पुष्टि की आज हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि हम तो 100% परसेंट फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहते थे रिटेल में आज हम पलट गए क्योंकि हम विपक्ष में बैठ गए और सरकार कांग्रेस पार्टी तो लगातार ही इसके पक्ष में रही है वॉट वॉज एंटी नेशनल इन टू थाउजेंड टू डिसम्बर हाउ हैज इट बिकम पेट्रियोटिक इन सेप्टेंबर ऑफ टू थाउजेंड ट्वेल्व दस साल के बाद जो वो विरोधी देशद्रोह का कदम था वो आज देश प्रेम का कदम बन गया और ये कहेंगे कि हम स्वीकार कर लें तो हम स्वीकार कर लेंगे उसको और मैं एक और आपको तथ्य बताऊं जो कि हम लोग यहां से रिपीट करते रहे हैं कि हंड्रेड परसेंट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज परमिटेड थ्रू दी ऑटोमैटिक रूट इन फूड प्रोसेसिंग ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या हुआ कि आपको किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है आप सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह सूचना दे दीजिए कि हम इतना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाकर यह काम कर रहे हैं इस देश में अपनी पूरी कंपनी 100 परसेंट ओन्ड फॉरेन कंपनी इस मुल्क में आ सकती है थ्रू ऑटोमेटिक रूट इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और इसी सरकार ने टारगेट फिक्स किया कि 25 बिलियन डॉलर्स कम से कम इसमें पूंजी निवेश होना चाहिए और कितना हुआ है 325 मिलियन 325 मिलियन इज व्हाट वी हैव रिसीव्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फूड प्रोसेसिंग प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि एफडीआई रिटेल विल हेल्प द फार्मर्स बेनिफिट आर फार्मर्स हाई इज इट गेनिफिट फार्मर्स एंड वन थर्ड ऑफ आर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर लॉस्ड बिकॉज दे आर पेरिशेबल तो उसके लिए फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना है मैंने आपको बताया कि फूड प्रोसेसिंग में ऑलरेडी परमिटेड है उसका फायदा उठाया फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इस बात का फायदा उठाया इतने सालों में कोई तर्क नहीं है उसके बाद फिर वो तो उनको कहना ही था कि यूपीए गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट ऑफ द आम आदमी मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज इट डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज लेकिन ये जो हमारा देश है ना और ये जो भूमि है इसको रत्न गर्भा कहते हैं क्योंकि जमीन के नीचे सोना यूरेनियम सेले के हर प्रकार का की संपत्ति है अगर ये चार लाख सवा चार लाख करोड़ का स्कैम जो इस सरकार के रहते रहते हुआ है यह स्कैम नहीं हुए होते इसका मार्केट प्राइस सरकार ने हासिल किया होता तो आज प्रधानमंत्री को यह सब्सिडी कम करने का रोना नहीं रोना पड़ता चार लाख सवा चार लाख करोड़ और ये सारा कुछ सीएजी ने ध्यान में लाया है प्रधानमंत्री का जो वक्तव्य था कल वो निराशाजनक क्यों था उसमें आगे की जो बातें थीं कि हम ये करेंगे वो करेंगे वो क्यों नहीं थे? और लोगों के ऊपर जब उन्होंने बोझ डाला है पाँच रुपया प्रति लीटर डीजल में और लगभग हम सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड रुपीज पर सिलेंडर एट द रेट ऑफ ट्वेल्व सिलेंडर्स इन ए ईयर अगर छः प्लस छः का आप जोड़ेंगे तो उसका वर्कआउट करता है अराउंड दिस अमाउंट विच इज गोइंग टू क्रिएट अ होल इन योर पॉकेट एंड माइंड इसको हम स्वीकार कर लेते अगर सरकार दो बात करती नंबर एक वो कहती साफ शब्दों में कि हमने पिछले आठ वर्षों में भयंकर गलतियां की हैं हमने अर्थव्यवस्था को इस देश की अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल ही स्वस्थ हालत में हमको प्राप्त हुई थी विरासत में एनडीए से 2004 में उसको हमने चौपट कर डाला और हमारे गलत कदमों का नतीजा है कि आज 1991 टाइप का सिचुएशन दोबारा पैदा हो गया है इस देश में हम उसके लिए देश की जनता से माफी मांगते हैं और आगे कोई ये कदम उठाने हैं तो आपके ऊपर हम इतना भार डालते हैं और हम स्वयं के ऊपर इतना भार डालते हैं स्वयं के ऊपर क्या भार होगा कितना वेस्टफुल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट में इस सरकार ने एक कदम उठाया कि उस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को रोकने के लिए दफ्तर में आप जाइए कह पाएंगे कि इट इज बिजनेस एज यूज़ुअल तो अपने ऊपर हम कोई भार नहीं डालेंगे अपनी वेदना अपनी पीड़ा हम नहीं बढ़ाएंगे लेकिन जनता की पीड़ा बढ़ाएंगे बिकॉज मनमोहन सिंह स्टैंड एक्सपोज्ड एज एन इकोनोमिस्ट एंड एज प्राइम मिनिस्टर इसलिए देश नहीं स्वीकार करेगा और इसीलिए जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो हम पाते हैं कि इसके पीछे जो इन्होंने कदम उठाए दो कारण हैं एक कारण यह है कि देश का मीडिया जो है वो तो इनके बारे में लिखता रहा लेकिन उससे इनका बाल बांका नहीं हुआ उसकी इन्होंने चिंता नहीं की देश का मीडिया है देशी मीडिया है जब बाहर के लोगों ने लिखना शुरू किया अंडर अचीवर कहा सोनिया स्पूडल कहा और तरह तरह की और बातें इनके खिलाफ लिखीं तब इनको चिंता हुई तो वेस्टर्न मीडिया में अपनी छवि को सुधारने के लिए इन्होंने ये देश के ऊपर भार डाल दिया और दूसरा कि ये जो कोलगेट 2G, कॉमनवेल्थ गेम्स तो ये जितने भ्रष्टाचार के केसेस सामने आए हैं और बहुत सारे अलमारी से बाहर आने को तैयार हैं तो उससे लोगों का ध्यान बांटने के लिए इन्होंने ये डाइवर्शनरी टैक्टिक्स किया है कि चलिए इसी में सब लोग व्यस्त हो जाएं कि इसी का प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करते रहें मैं आज आपके सामने पूरी जिम्मेदारी के साथ रिपीट करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी विल नेवर अलाउ द इश्यू ऑफ प्राइस राइज एंड करप्शन टू तो बी साइडलाइन्ड टू तो बी स्वेप्ड अंडर द कारपेट